YouTube रेसिपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको चिकन बिरयानी बना के दिखाने वाली हूँ। चिकन बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 kg चिकन अच्छे से 2 से 4 टाइम धो कर रखा है और इसमें मैं अभी लेमन जूस निचोड़ूंगी, 1 लेमन इसका जूस मैंने डाला है। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1 स्पून, यहाँ मैंने चिकन को 1 लेमन जूस और हल्दी पाउडर नमक डाल के अच्छे से हाथ से मिक्स करके अभी हम हीटर पर रखेंगे इसे 15 से 20 मिनट। अभी मैंने गैस चालू किया, अभी यहाँ हमारा पैन गर्म हो गया है तो मैं इसमें डालूंगी ऑयल। पकने के लिए रखेंगे तो यहाँ मैंने कैश कट कर दिए हैं। अभी प्याज को मैं थोड़ा चेंज होने पर फ्राई करूंगी। यहाँ प्याज का कलर अभी चेंज हो गए, प्याज ये अच्छे से फ्राई हो गए। अभी मैं डालूंगी इसमें 2 टमाटो। अभी इसमें मैं डालूंगी ये मैरिनेट किया हुआ चिकन, इसमें हमने हल्दी नमक और लेमन जूस डाला था। अब मैं डालूंगी धनिया कट करके, अभी कट किया हुआ धनिया डालूंगी। अभी मैं मिक्सी के बर्तन में अदरक, लहसुन 2 गड्ढे, इसकी मैं अभी और धनिया पेस्ट बनाऊंगी बिरयानी के लिए। इस तरह से मैंने यहाँ पेस्ट बनाई है अदरक लहसुन और धनिया। अभी मैं प्याज कट करके लेती हूँ। अभी यहाँ मैंने 3 से 4 प्याज मैंने ऐसा स्लाइस कट कर दिया। बासमती राइस लिया है मैंने 1/2 किलो, इसे मैं दो कर ऐसा ही बनाऊंगी बिरयानी। इसे हमें भिगाने के लिए नहीं रखना है क्योंकि हम लेयर वाली बिरयानी नहीं बनाते। तो यहाँ हमारा यहाँ मैंने 2 बड़ी इलायची, 2 चक्रफूल, 4 से 5 हरी इलायची, 4 से 5 मेरे दालचीनी के टुकड़े, 2 तेज पत्ता, 2 शेती। तो सबसे पहले मैं डालूंगी यहाँ गरम ऑयल में जीरा, जो
चावल को भर लेगी। मसाले भी फ्राई करूंगी। यहाँ मैंने चावल मसाले में फ्राई करके रखा है अच्छे 2 मिनट तक। तो अभी मैं डालूंगी ये जो मेरे चिकन उसका ग्रेवी और चिकन। अब ये है हमारी अलग तरीके से और अभी हम पकने देंगे 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पर। इसमें मैंने नमक चेक किया तो नमक कम था, मैंने और आधा चम्मच नमक डाला है और इसे हम अच्छे से एक बार एक जैसा मिक्स करेंगे और हम रखेंगे प्लेट। आधा घंटे